जाने वाली नदियों का सफाया होता जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जल स्रोतों को लेकर लोग संजीदा नहीं दिख रहे हैं, ऐसे में लोहरदगा को पेयजल उपलब्ध कराने वाली दो प्रमुख नदियां कोयल नदी और शंख नदी लोगों के प्रदूषण फैलाने की आदत का शिकार हो रही है और अब लोगों को परेशानी होनी तय दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। लोहरदगा की दो नदियां कोयल और शंख जिले की पहचान है। इन दो नदियों की वजह से हजारों एकड़ भूमि में फसल लहलहाती है। किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम करती हैं ये दो नदियां, लेकिन इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में नदियों के संरक्षण के लिए सरकार एक तरफ लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके नदी को स्वच्छ करने के लोग के लिए आगे है, और वहीं पर आज देखिए हमारे यहाँ पर झारखंड में हमारा लोहरदगा का स्थिति क्या है कि नदी जो है सूख करके नाले की स्थिति ले रही है। समस्त जिले का जो कचरा है ला करके यहीं पर डाला जा रहा है, और इसकी ओर जो है सो ना तो नगर पालिका को ध्यान है, ना ही यहाँ काला अधिकारियों का ध्यान है, और हम आप लोगों के माध्यम से उन आला अधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि कम से कम प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ मिशन का जो योजना है उसको हम सभी लोगों को मिल करके उनको साकार करने के लिए आगे आना होगा। और ये हमारी ही प्राथमिकता है कि हम सभी लोग जागरूक होंगे तभी जा करके आगे हमारा जो है स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण में हम सभी लोग रह पाएंगे। लोहरदगा में इन्हीं दो नदियों की वजह से किसानों को रोजगार मिल पाता है, प्यासी भूमि के साथ साथ पशुओं को भी पानी मिल पाता है। ऐसे में जब अभी से नदियों का यह हाल है तो आने वाले समय में इनकी क्या स्थिति होगी? तक हम बालू उठाओ, अंधाधुंध बालू, जरूरत भर नदी से उतना ही बालू निकलना चाहिए जितना बनता हो। अगर बनने से ज़्यादा अगर नदी से बालू उठेगा तो जब ज़मीन पे पानी जाएगा तो सोखेगा ही और उसके बहाव कम होंगे। तो प्रशासन को थोड़ा सा इस तरह के जो अवैध बालू उठाव होते हैं या टेंडर भी होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा उसको मात्रा दे दिया जाता है उठाने के लिए पैसे के लालच में, तो इसको थोड़ा सा रोकना चाहिए, रोकना नहीं बल्कि सख्ती के साथ रोकना चाहिए इसको। और पेयजल की समस्या तो आने वाले दिन में होगी, अगर हम चेतेंगे नहीं तो आने वाले दिन में जल ही सबसे बड़ा सवाल उठेगा इस समाज के लिए। जिन नदियों के पानी के लिए गर्मी के मौसम में आंदोलन करने वाले जिलेवासी आज खुद अपने हाथों जल संकट की समस्या को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जिलेवासियों को आने वाले समय में उत्पन्न होने वाले जल संकट की परिस्थिति से खुद निपटने की तैयारी अब करनी होगी। ओंकार अवामी के लिए लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट। तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन एक बड़ी समस्या है कि नदियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। लोहरदगा संवाददाता गौतम लेनिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, कोयल नदी और शंख नदी न सिर्फ खेतों को सींचती है, मवेशियों का गला तर करती है, बल्कि इंसानों का भी प्यास बुझाती है ये दो नदियां, और लोग इन दो प्रमुख जल स्रोतों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। लोग तो छोड़िए, सरकार भी इसको लेकर चिंतित नहीं दिख रही है। क्या स्थिति है इलाके में? कि मैं आपको बता दूं कि ये जो दो नदियां हैं ये वर्षों से लोहरदगा के लिए जीवनदायिनी रही है। इन्हीं नदियों के सहारे लोग अपने खेतों में पानी पहुंचा पाते हैं, लेकिन बालू के लगातार अवैध उठाव और लगातार शहर का कचरा इन नदियों में फेंकने की वजह से धीरे धीरे ये नदियां सिमटती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं, नदियों का बहाव जो है वो परिवर्तित होने लगा है। सबसे बड़ी समस्या गर्मी के मौसम में जो होती है वो शहर के अलावे ग्रामीण इलाकों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना, क्योंकि इन्हीं नदियों को माध्यम बना करके प्रशासन कहीं ना कहीं घरों तक पेयजल पहुंचाने का काम करता है। दूसरी अगर बात की जाए तो इन नदियों के किनारे जो चरने वाले पशु होते हैं वो आने वाले समय में, यानी जो माह होंगे अभी फरवरी मार्च के बाद जो अप्रैल मई जून का जो ये माह होगा, जब ये पशु इन नदियों के किनारे चरेंगे तो इन्हें प्यास जब लगती है तो ये कहीं ना कहीं अकारण मृत्यु की दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं, और यही ऐसी ही कुछ समस्या इस इलाके में रहने वाले ग्रामीण लोगों के साथ होने लगती है। हालांकि इंसान अपनी प्यास किसी तरह तो गड्ढा खोद करके बुझा सकते लेते हैं या बुझाने की दिशा में काम करते हैं, लेकिन ये पशु कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। अवैध खनन के बारे में क्या जिले के अधिकारियों को जानकारी नहीं है या फिर वो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं? जी देखिए, ये साफ तौर पर है कि ये जो नदियां हैं ये लोहरदगा के
चारों दिशा में फैली हुई है और सभी प्रखंड और थाना इस नदियों से जुड़ा हुआ है। प्रशासन की नजरों के सामने से ये नदियों के बालुओं का जो उठाव है वो निरंतर जारी रहता है। कार्रवाई होती है लेकिन महज वो एक खानापूर्ति के रूप में होती है। जब हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे विषयों को प्रशासन के सामने लाते हैं तो महज खानापूर्ति के नाम पर ये विषय कार्रवाई की जाती है और फिर यह सिलसिला निरंतर जारी होता है। लेकिन गौतम, झारखंड के लोग तो जल जंगल जमीन के लिए जान देने को तैयार रहने वाले लोग के तौर पर पहचाने जाते हैं, वो क्यों इस तरह की नाजायज चीजें होने देते हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते? जी बिल्कुल, आपने कहा ये जल जंगल जमीन ये यहाँ के आदिवासियों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन यह विषय अब कहीं ना कहीं ऊपर उठ करके ये राजनीतिक दलों का मूल मंत्र हो गया है जो वोट के समय में इन मंत्रों का उच्चारण किया करते हैं, क्योंकि ग्रामीण अपने रोजगार को लेकर के दिन रात परेशान रहते हैं। जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं के पीछे परेशान रहते हैं, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है कि जल उनका होगा, जंगल उनका होगा, जमीन उनका होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों और गरीबों को प्यास लगती है, कोठियों और महलों में रहने वाले लोगों को भी प्यास लगती है और जब उनका गला सूखेगा तब शायद उन्हें एहसास हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए गौतम।